देखो मैं तो मानता हूँ, अब चुनाव तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में, फरवरी में आचार संहिता लगा देगी तो भी अप्रैल में ही उड़ेंगे और मार्च में लगाएगी तो भी होंगे। थोड़ा बीजेपी कह रही है 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, भाई लोकसभा होते तो जेजेपी कैसे सोचती है? अभी 10 की 10 पे तैयारी कर रहे हैं, ये तो अलायंस की बात है, बैठ के फैसले होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो ये कह दे कि हम तो एक पे तैयारी करें इन लोगों को छोड़ के। आज के दिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो वो भी 10 पे तैयारी कर रही है। पिछली बार भी हमने 10 पे तैयारी करी थी जब तो हम 4 महीने पुराने थे और उसमें 7-3 का अलायंस हुआ और उसमें मैदान में उतरे। आज के दिन हमारी भी 10 की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की 10 की तैयारी, हमारी भी 90 पे तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की भी 90 पे तैयारी। ये तो अलायंस होगा और किस सीट शेयरिंग पे होगा ये तो बैठ के टॉप लीडरशिप बात करेगी। देखिए कांग्रेस की फूट खुल के सामने आ गई। एक चीज तो साफ होगी, जो कांग्रेस प्रदेश में राज बनाने की बात करती थी आज वो दो फाड़ तो खुल के है। और जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा का गुट या एसआर के गुट अपनी अपनी एक्टिविटी कर रहा है, इनके प्रभारी की भी शायद मैं वर्ड यूज गलत कर रहा हूँ, हैसियत पता चल रही है कि उसकी चिट्ठी लिखने के बाद भी काम हो रहा है। जिस पार्टी में इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन है, जिस पार्टी के अंदर केंद्र के दिए दिशा निर्देश को कोई फॉलो नहीं करता, उस पार्टी का सत्यानाशी होता है। और ये जो चुनाव आगामी है ये कांग्रेस का शायद अंतिम चुनाव रहेगा। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम खुद जा रहे हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है और मुझे नहीं लगता कि श्री राम आपके है या मेरे। हमारी तो संस्कृति है सुबह उठते हैं तो राम राम कहते हैं, रात को सोते हैं तो राम राम कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाने की देने की कोई जरूरत है। इसमें तो आपको भी जाना थी, चाहोगे तो एक बस सारे पत्रकारों की मैं करा दूं और जयराम करते जाना। आम आदमी पार्टी में से भी भगदड़ हो रही है आजकल। देखिए आम आदमी पार्टी एक बुलबुला था जो फट चुका है। पंजाब के बाद एक हवा चली थी कि पता नहीं आम आदमी पार्टी में क्या बदलाव हरियाणा में आएगा। बहुत से XML एक दो हमारे भी गए थे और हफ्ते बाद वापिस आ गए थे। बहुत से XMPs गए, पूर्व मंत्री गए, वो भी अब भाज लिए। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो 4 लोग दिल्ली से निर्धारित और डायरेक्शन लेके हरियाणा में घूमते हैं उन्हीं के बीच में आम आदमी पार्टी सिमट कर रह जाएगी।